हिमाचल प्रदेश इस समय बड़ी आपदा से गुजर रहा है। प्रदेश के लिए ये पल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इस आपदा की घड़ी में क्या कुछ जो है वो सरकार की ओर से बदलाव किए गए हैं और छुट्टियों को लेकर बात करें या फिर तमाम चीजों को लेकर उस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र का क्या हाल है और जिस जगह पर आप है क्या वहां पर आप सुरक्षित है, और इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत है, क्योंकि आज सुबह से लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश के हर कोने कोने से लोग वीडियो भेज रहे हैं जिसमें कि कई लोगों के घर ढह रहे हैं, कई लोगों की सड़कें बर्बाद हो चुकी है। कुल मिलाकर जो है एक गांव का दूसरे गांव के लिए संपर्क टूट चुका है। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश का संपर्क अन्य सभी राज्यों से भी कट चुका है। तो ऐसे में ना केवल हिमाचल प्रदेश का संपर्क कटा है बल्कि प्रदेश के ऐसे गांव, ऐसे शहर जो कि आपस में कनेक्टेड थे, उन सभी का संपर्क भी आपस में टूट चुका है। तो कुल मिलाकर ये आपदा की घड़ी है और इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को इस समय काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपसे जरूर आग्रह रहेगा कि इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे की मदद करें और जहां पर भी आपको कुछ लगता है कि आप किसी दुविधा में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, प्रशासन का अमला आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप जरूर के ऐसा प्लेटफॉर्म पर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं ताकि हम प्रशासन तक आपकी आवाज को पहुंचा सके। तो फिलहाल अभी तक की खबरों की बात करते हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में आज क्या हुआ है। हमने सुबह भी आपको कहा था कि आज सोमवार था, सप्ताह का पहला दिन था, लोग जो है वो आज शिवालय में माथा टेकने के लिए गए थे, शिवलिंग में दूध और पानी चढ़ाने के लिए गए थे। लेकिन आज जिस तरह की त्रासदी हुई हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए, आज काला दिन ये इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि आज के इस दिन में प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिर जो कि शिमला के समरहिल और बालूगंज के समीप है, उसमें 25 से 30 लोग जो है वो दब गए थे। और अभी की अगर हम आपको अपडेट दें तो अभी भी जो कहा जा रहा है कि 8 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है, 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और इसके अलावा आप सोचिए कि अभी भी 25 लोग इसी मलबे में दबे हुए हैं, उनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने इस पूरे रेस्क्यू को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका भी, क्योंकि अगर आप हालात देखेंगे तो राजधानी शिमला में तेज बारिश हो रही है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम ने कुछ समय के लिए रेस्क्यू को रोका था, लेकिन अब दूसरी बार ये रेस्क्यू किया जा रहा है और जिस जगह पर शिमला में ये मलबा गिरा है वो अभी भी खतरे की जद में है। वहां पर 3 से 4 पेड़ ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि गिरने की कगार पर है। तो आप खुद सोचिए कि 25 लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हैं और उन लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और दुखद ये भी है क्योंकि समरहिल और बालूगंज के नजदीक जिस जगह पर ये मंदिर है वहां पर एचपीयू के और एचपीयू के छात्रों सहित सभी प्रोफेसर कर्मचारी अधिकतर वो उसी इलाके में रहते हैं और अभी तक जो अंदर से वहां पर सूचना मिल रही है कि इसी मलबे में जो है वो कई प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर लगभग बताए जा रहे हैं कि 2 प्रोफेसर जिसमें कि एक 45 साल के हैं और दूसरी एक महिला प्रोफेसर है जो कि 35 साल की है, वो भी उसी मलबे में दबी हुई है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया है। और इसके अलावा कई छात्र भी वहां पर हो सकते हैं जो कि मलबे में दबे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये सोचिए कि इस समय बड़ी दुखद भरी एक घटना जो है वो आज शिमला में सामने आई है। 25 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं शिव मंदिर में, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के पुलिस जवान, एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड के लोग इस समय जो है सभी जवान तैनात हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तेज बारिश के बावजूद जो है ये लोग डटे हुए हैं, कैसे इनका रेस्क्यू किया जा सके इसका भरपूर प्रयास सुबह से लेकर किया जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों की दुआ है और आप लोगों की दुआ जरूर काम भी आएगी। आप लोग जरूर दुआ करें क्योंकि ये ऐसा मुसीबत का कहर प्रदेश के ऊपर आन पड़ा है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि हल्की सी बारिश पे भी वो पहाड़ियां नीचे की तरफ दरक रही है। पेड़ जो है, पेड़ों की नमी इतनी ज्यादा नरम हो चुकी है कि पेड़ भी अब गिरने की कगार पर है। तो ऐसे में हम जरूर इस बात को आज उठाएंगे कि आखिरकार इसका गुनहगार कौन है। अब आपको इसका मंथन भी करना होगा क्योंकि इतनी ज्यादा जाने जा चुकी है और अपने आप में एक ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी त्रासदी है। फिलहाल हम अगली खबरों की बात करते हैं क्योंकि नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है और आने वाले दिन भी प्रदेश के लिए अच्छे नहीं है और बहुत ज्यादा अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है। तो फिलहाल अभी तक आप देखिए सोलन में एक बड़ा हादसा आया और उसमें भी 7 लोग, एक ही घर के 7 लोग जो है यहाँ पर वो 7 लोग जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया। 7 लोग की मौत जो है वो मलबे में दबने से हुई है और जो यहाँ पर आंकड़ा सामने, ऑफिशियली आंकड़ा जो सामने आया है तो सोलन जिला के कंडाघाट ब्लॉक के तहत जडोण गांव में 2 मकान गिरे और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है और इसमें 4 बच्चे शामिल है जबकि एक महिला बुरी तरह से इसमें घायल हुई है। और ये हादसा आज सुबह
आज सुबह जो है वो सामने आया है। और एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने यहाँ पर देते हैं, शिव मंदिर की हम बात कर रहे थे तो शिव मंदिर में अब जो आंकड़ा है मौतों का वो 9 पहुंच गया है, यानी कि एक और डेड बॉडी जो है वो वहां से बाहर निकाली गई है। और अपने आप में ये शब्द बोलना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको अवगत करवाना जरूरी है। बहुत सारे शिमला के लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस समय लोगों के जहन में ये है, उनके कई रिश्तेदार भी वहां पर फंसे हुए हैं, उनके जानने वाले वहां पर फंसे हुए हैं, तो ऐसे में लोगों तक ये अवगत करवाना जरूरी है कि आप फिलहाल उस जगह पर मत जाइए, क्योंकि वहां पर अभी भी खतरा है। और अभी थोड़ी देर पहले जो वहां पर हमारी टीम समय तैनात है, वहां से हमें अपडेट मिली है कि 9 लोगों की बॉडी, डेड बॉडी जो है वो वहां से निकाल दी गई है, यानी कि 9 लोग जो है वो शिव मंदिर में दबने की वजह से जो है वो यहां पर उनकी मौत हो चुकी है। और बाकी यहां पर करीब ऐसे 20 से ज्यादा लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तो फिलहाल हम सोलन की बात कर रहे थे, तो सोलन के कंडाघाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जडोन गांव में 2 मकान गिरे, और इस मकान के गिरने की वजह से परिवार पूरा इस मलबे में दब गया। 7 लोगों की जान उसमें चली गई है, और जिन लोगों की जान गई है उसमें 4 बच्चे शामिल है, जबकि एक महिला बुरी तरह से इसमें घायल हुई है। और हादसा आज सुबह हुआ है 4 बजे के करीब, और यहाँ भारी बारिश के कारण 2 मकान लैंडस्लाइड की जद में आ चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी खबरों को लेकर, कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, चंबा जिले में भारी बारिश से बादल फटने से भूस्खलन की घटनाओं ने कहर भर पाया है। शिमला में भूस्खलन से 2 और सोलन में बादल फटने की ताजा घटनाओं में कम 19 लोगों की मौत हो गई। और शिमला के समरहिल इलाके में आपने देखा कि किस तरह से यहां पर त्रासदी हुई है। फाकली में आपने देखा कि फाकली में लाल कोठी में मलबा आया और पेड़ गिरे, लोग मजदूर वहां पर वर्ग रह रहा था, वहां पर फाकली के लाल कोठी के समीप मजदूरों के धारे पर पेड़ गिरे और 5 लोगों की मौत जो है वो यहां पर हो चुकी है। 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनकी मौत यहां पर हुई है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में अभी तक प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य में 752 से ज्यादा सड़कें और 4,697 बिजली ट्रांसफर और 902 जल आपूर्ति परियोजनाओं को नुकसान पहुंच चुका है, यानी कि अभी तक मुसीबत जो है वो थमी नहीं है और मुसीबत अभी आने वाले समय में भी होने वाली है, क्योंकि कई पेयजल परियोजनाएं जो है वो टूट चुकी है, बिजली ट्रांसफार्मर जो है वो गिर चुके हैं, कई जल चुके हैं, कई बहुत सारी चीजें हैं, कई मलबे में और भूस्खलन में नदी नालों के उफान में बह गए हैं, तो इस वजह से लोगों को अब बिजली पानी की भी दिक्कतें आने वाले समय में होने वाली है। 752 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध है, 2 नेशनल हाईवे प्रदेश के पूरी तरह से यहां पर ठप बताए जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अभी जो है वो दिक्कतें आपको आने वाले समय में और ज्यादा हो सकती है, कई क्षेत्र में ब्लैकआउट जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न यहां पर हो सकती है। शिमला, कालका और मंडी कुल्लू एनएच अभी पूरी तरह से बंद है, आगामी आदेशों तक ये एनएच बंद रहेगा, ये आदेश यहां पर जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अगली खबर की बात करते हैं, सबसे पहले आपको मौसम का अपडेट देते हैं। अभी भी आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ ही समय हुआ है कि बारिश यहां पर भी थमी है। अदरवाइज अगर आप देखें तो सुबह से लगातार जो है वो बारिश का सिलसिला कभी थम रहा है, कभी जारी हो रहा है। और इसी तरह से हमने आपको पहले भी कहा था कि जिन गांव में या शहर में एक रौनक होती थी, वो रौनक जैसे आप ये सोचिए कि कहीं से गायब सी हो गई है। सारे लोग जो है अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं कि क्या वो सही है या फिर वो किसी परेशानी में तो नहीं है। तो इस तरह का मंजर है, बड़ी दुखदायी स्थिति से प्रदेश इस समय गुजर रहा है। और इस बीच आप देखिए कि सरकार की ओर से भी बड़े ऐलान किए गए हैं, क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, छात्रों से लेकर कर्मचारियों के लिए दिक्कतें हैं, तो इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको मौसम को लेकर अपडेट दिया जाए। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, और इस रेड अलर्ट के बीच में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। 16 से 18 अगस्त तक कई जगह पर मूसलाधार बारिश होगी, और कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन भी मौसम को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, कल भी बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और राज्य में 22 अगस्त तक मौसम ऐसे ही खराब रहेगा, कई इलाकों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कांगड़ा, मंडी, शिमला में भारी बारिश को लेकर जो है वो यहां पर चेतावनी जारी की गई है, तो ऐसे में लोग अपना ध्यान जरूर रखें। और इन्हीं जिलों में कांगड़ा, मंडी, शिमला में भारी बारिश का जो रिकॉर्ड है वो भी दर्ज किया गया है। अगर आप देखेंगे तो सुजानपुर में 254.0 मिलीमीटर जो है वो बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांगड़ा में 273.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, पालमपुर में 220.0 और गोहर में 191.0 मिलीमीटर जो है वो बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। तो आप कुल मिलाकर ये सोचिए कि समय आपके लिए ऐसा समय है जिस समय में आपको एक दूसरे का सहयोग देना है, क्योंकि आप बारिश का रिकॉर्ड हो या फिर मौतों का रिकॉर्ड हो, इस बार बरसात ने खून के आंसू लोगों को रुलाया है, और इस बरसात की वजह से जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही है। तो ऐसे में आप अपना ध्यान यहां पर जरूर रखें।